गाइस वेलकम टू गुनस किचन। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ एक चिली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिंचाओ चिंचाओ। तो दोस्तों पहले बारीक चॉप कर लेंगे प्याज को, और पहले से ही मैं मिर्ची को चॉप करके रखा था, तो कटोरी में डाल देंगे प्याज और मिर्ची को। अभी एक अंडा को तोड़ लेंगे। अभी बारी है नमक की, डाल देंगे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे कूटा हुआ ब्लैक पेपर। तो इसको अब हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। फेंटा हो चुका है, ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के इसमें हम अंडा को डाल देंगे। मैं सोयाबीन ऑयल से बना रहा हूँ। तो अंडा फ्राई हो चुका है, इसको पलट देंगे। और बीच से इसको कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अंडा फ्राई हो चुका है दोस्तों। अभी अगला स्टेप, डाल देंगे पैन में तेल। तो पैन में तेल डाल के इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सौते फ्राई करेंगे, और फ्राई करके अब देख सकते हैं दोस्तों, फ्राई करके देखिए यहाँ पे प्याज है, टमाटर है, और पत्ता गोभी है, और कैप्सिकम है, और हरी मिर्च ये कटा हुआ है, ये डाइश में कटा हुआ है। तो इसको पैन में डाल के इसको फ्राई करेंगे सौते फ्राई। तो फ्राई करते करते डाल देंगे इसमें नमक। नमक के बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और टमाटर सॉस। और दोस्तों डाल देंगे अभी यहाँ पे ग्रीन चिली और यहाँ पे सोया सॉस, थोड़ा सा शक्कर, और इसको अच्छी तरह इसको टॉस कर लेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। और अभी इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी डाल के इसको थोड़ा बॉयल्ड होने देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी में हम डाल देंगे कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च को इसके संग हम मिला देंगे। मिला के इसको थोड़ी देर इसको रख देंगे। अभी ब्लैक पेपर कूटा हुआ डाल देंगे इसमें। देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे इसमें, और रेडी हो चुका है ग्रेवी, एक चिली का ग्रेवी। अभी इसमें डाल देंगे फ्राइड किया हुआ है एग। तो आज का डिश रेडी हो चुका है दोस्तों, देख लीजिए। तो आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, उसके संग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। फिलहाल चलते हैं, टाटा बाय बाय।